तो ये अपडेट है पोको M2 के लिए, और यहाँ पर इस अपडेट के बाद मैं आप लोगों को बताने वाला क्या क्या चेंजेस देखने के लिए मिले हैं। एक तरीके से रिव्यू का वीडियो है, तो यहाँ पर वीडियो को एंड तक देखते रहना, कौन से बग्स मिलते हैं, कौन से फीचर्स देखने मिलते हैं आप लोगों को यहाँ पर पता चल जाएगा। तो इसके लिए क्या करना है, वीडियो को भाई पूरा एंड तक देखना, मिस मत करना, वरना काफ़ी सारी चीज़ें आप लोग मिस कर जाओगे। और आप लोगों को बता दूँ 15,000 सब्सक्राइबर के हम लोग बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है, तो फटाफट से यार सब्सक्राइब कर लो चैनल को, क्योंकि यहाँ पर आप लोग के डिवाइस के रिलेटेड हमेशा वीडियोस में लाता रहता हूँ। तो नीचे जो लाल बटन सब्सक्राइब लिखा उसको प्रेस करके, जो बाजू में बेल आइकन है उसको प्रेस कर लेना, क्योंकि आप लोगों को नोटिफिकेशन भी मिलती रहेगी जब भी कोई भी अपडेट्स और वीडियोस आती रहेगी, आप लोगों को तुरंत पता चल जाएगा। मैं बात करूँ इस अपडेट की, तो यहाँ पर अपडेट आप लोग देख सकते हो स्क्रीन पर, MIUI 12.5.3.0 का बिल्ड नंबर मिलता है, पोको M2 के लिए ये अपडेट देखने मिलता है, और यहाँ पर ये अपडेट इंडिया के लिए रिलीज किया गया था। 619 MB की साइज देखने मिलती, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलता था इनहेंस एडिशन का अपडेट। अब यहाँ पर इस अपडेट के बाद कौन से बग्स देखने के लिए मिलते हैं, बग्स मैं आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो ये है टेलीग्राम चैनल भाई, इसको फटाफट से ज्वाइन कर लो, क्योंकि यहाँ पर इसकी न्यूज़ और लिंक सबसे पहले आपको मिलती रहेगी, अपडेट की लिंक भी मिल जाएगी। अपडेट अगर बाई चांस आप लोगों ने मिस कर दिया तो यहाँ से आप लोग तुरंत अपडेट कर सकते हो, और इसकी जो लिंक्स है वो आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएगी। तो मैंने इसके रिगार्डिंग मैंने पोल भी रखा था टेलीग्राम चैनल पर कि न्यू अपडेट के बाद आप लोगों को कौन से बग्स मिलते हैं, यहाँ पर कौन से इश्यूज देखने मिलते हैं, तो आप लोग यहाँ पर रिजल्ट चेकआउट कर सकते हो। और यहाँ पर फीडबैक में मुझे काफ़ी लोगों का रिस्पॉन्स देखने के लिए मिला है, तो वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो इस अपडेट के बाद सबसे पहले बात करूँ रैम एक्सटेंशन की फीचर की, यानी कि जो कि MIUI 12.5 का इनहेंस एडिशन का फीचर है। आपको सेटिंग में जाना है, एडिशनल सेटिंग में जाना है, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो यहाँ पर मिल जाएगा मेमोरी एक्सटेंशन। ये जो फीचर है ये फीचर देखने के लिए मिलता है पोको M2 में न्यू अपडेट के बाद। अब क्या ये फीचर में कोई बग है या फिर नहीं, तो सबसे बड़ा बग आपको इसी फीचर में देखने के लिए मिलने वाला है। स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं ये जो बग है ये मेमोरी एक्सटेंशन के अंदर ही फीचर, यानी जिस फीचर का ये बड़ा अपडेट है उसी फीचर में सबसे बड़ा बग देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर मेमोरी एक्सटेंशन का फीचर तो दिया गया, आप लोगों ने इसको ऑन भी कर दिया है, काफ़ी यूजर ने मेरे पास स्क्रीनशॉट दिए, और यहाँ पर आप लोग चेकआउट कर सकते हैं कितनी GB का रैम बढ़ाकर देखने के लिए मिलता है। तो आप लोग देख सकते हो 0000 GB का रैम आपको यहाँ पर बढ़ाकर देखने के लिए मिलता है। तो अब काफ़ी यूजर के मन में डाउट होंगे क्या हमें मेमोरी एक्सटेंशन का फीचर मिला भी या फिर नहीं, या फिर ऐसे ही अपडेट दे दिया। तो आप लोग बता दूं जी हाँ, यहाँ पर मेमोरी एक्सटेंशन का फीचर आप लोगों के लिए देखने के लिए मिलता है, लेकिन यहाँ पर ये जो बग है ये बग है, जी हाँ गाइस, यहाँ पर ये बग है। इसमें आपको कन्फर्म नहीं किया गया कितनी GB का रैम मिलेगा, और इसके लिए आप लोग को इंतजार करना पड़ेगा एक न्यू अपडेट के लिए। एक बहुत ही जल्द आप लोग को एक न्यू अपडेट देखने के लिए मिल सकता है, जिसमें आपको ये बग फिक्स होकर देखने के लिए मिल जाएगा। वहां पर आप लोगों को कंफर्म पता चल जाएगा कितने GB का रैम आपको बढ़ाकर देखने के लिए मिलने वाला, लेकिन मुझे लगता है शायद आप लोगों को 1 GB रैम बढ़ाकर डेफिनेटली मिलने वाला। यहाँ पर तो 0 बताया है, तो यहाँ पर ऐसा नहीं कि 0 है तो मतलब अपडेट के बाद हमें फीचर नहीं मिलता है, फीचर मिलता है, बट यहाँ पर अभी आप लोगों को पता नहीं चलेगा कितने GB का रैम बढ़ाकर देखने के लिए मिल जाएगा। तो आप लोग इसको ऑन करके रख सकते हो, और न्यू अपडेट में आप लोग को ये बग फिक्स होकर देखने के लिए मिल जाएगा। इसके अलावा अगर बात करो कंट्रोल सेंटर की, कंट्रोल सेंटर काफ़ी यूज़ है कि मेरे पर कमेंट्स आए कंट्रोल सेंटर काफ़ी ज़्यादा कमाल का है, काफ़ी अच्छा हो गया, मतलब यहाँ पर स्मूथनेस देखने को मिल रही है, ब्लर इफेक्ट तो आप लोग को देखने के लिए मिलता ही था। यहाँ पर मेरे पास हालांकि पोको M2 का डिवाइस नहीं है, लेकिन जो रिव्यू निकल के आया वो मैं आप लोग को यहाँ पर बता रहा हूँ, जो फीडबैक निकल के आया वो मैं आप लोग को यहाँ पर बता रहा हूँ। तो कंट्रोल सेंटर में भी काफ़ी अच्छा वर्क कर रहा है, कोई भी इशू देखने के लिए नहीं मिल रहा है। यहाँ पर जो ब्राइटनेस है, जो ब्राइटनेस का जो आप लोग देख सकते हो बार है, वो यहाँ पर पूरा नीचे डाउन नहीं हो रहा है। यहाँ पर जो MIUI 12.5 का जो फीचर है वो आप लोग को यहाँ पर देखने के लिए मिलता है, कोई भी इशू देखने के लिए नहीं मिलता है। मेरे पर काफ़ी यूजर के कमेंट्स आए कि ये जो इनहेंस एडिशन का अपडेट है पोको M2 के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, मतलब काफ़ी यूज़र को ये अपडेट पसंद आया, क्योंकि उनके डिवाइस लैग होना कम हो गया, हैंग होना कम हो गया, काफ़ी यूज़र में परफॉर्मेंस अच्छी देखने के लिए मिली उनके डिवाइसों में, काफ़ी यूज़र का इस तरीके से कहना है। तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आपके पास अगर पोको M2 का डिवाइस है क्या आपने इनहेंस एडिशन का अपडेट किया है, अगर किया है तो अपडेट के बाद आप लोगों को कौन से इंप्रूवमेंट्स देखने के लिए मिले हैं, इसके साथ साथ आप लोगों को क्या कोई बग्स देखने के लिए मिले हैं या फिर नहीं, आप लोग वो भी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। यूजर का कहना है कि गेमिंग एक्सपीरियंस खराब हो चुका है इस अपडेट के बाद, तो हाँ हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो भी बग्स देखने के लिए मिलते हैं ऐसा नहीं कि सभी यूजर को बग्स देखने को मिलेंगे, कुछ डिवाइसों में कुछ बग्स देखने के लिए मिल जाते हैं, कुछ डिवाइस में यहाँ पर बैटरी ड्रेन देखने के लिए मिल रही है, चार्जिंग स्लो हो रहा है, किसी का डिवाइस हैंग हो रहा है, किसी के कुछ ना कुछ इशूज देखने के लिए मिल रहे हैं। तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना इस अपडेट के बाद आपको कौन सा इश्यूज देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन जो फीडबैक मेरे पास आए, तो वैसे तो अपडेट काफी ज्यादा अच्छा है, लेकिन कुछ यूजर को इश्यूज देखने के लिए मिल सकते हैं, बैटरी ड्रेन भी देखने के लिए मिल सकता है। तो अगर आप लोग इनमें से कोई भी बग्स देखने के लिए मिलता है तो आप लोगों को क्या करना है, तो अगर आप लोग इसको फिक्स करना चाहते हो, अब ऐसा नहीं कि सारे बग फिक्स हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर कुछ
काफ़ी हद तक कुछ बग्स है उसको फिक्स कर सकते हो। सिंपली अपने डिवाइस को एक बार रिसेट कर लो। एक बार अपने डिवाइस को रिसेट कर लोगे तो शायद उसके बाद आप लोगों को ये बग्स फिक्स होकर देखने के लिए मिल जाएंगे। फ्लोटिंग विंडो का ऑप्शन भी आप लोगों को देखने के लिए मिल जाता है। MIUI 12.5 इनहांस एडिशन के सारे फीचर्स देखने के मिलते हैं। हालांकि फीचर्स में थोड़े से बग है, लेकिन अपडेट तो आप लोगों को मिल ही चुका है। तो यहाँ पर एक और न्यू अपडेट जल्दी ही देखने के मिलेगा, जिसमें कोई इश्यूज है वो भी यहाँ पर फिक्स होकर देखने के लिए मिल जाएगा। और वो अपडेट आएगा तो मैं आपको वीडियो के जरिए तो बता ही दूंगा। लेकिन जो बग्स है अगर आप लोग उसको फिक्स करना चाहते हो तो शायद अपने डिवाइस को एक बार रिसेट कर लो, उसके बाद आप लोग को काफ़ी सारे जो बग्स है वो फिक्स होकर देखने के लिए मिल सकते हैं। और ऐसा नहीं कि सभी बग्स फिक्स होंगे, लेकिन थोड़े बहुत बग्स डेफिनेटली फिक्स होकर देखने के लिए मिल जाएंगे। तो ये था अपडेट के बारे में वीडियो। तो यहाँ पर आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना आप लोग को ये अपडेट मिला है या फिर नहीं। कुछ ही यूज़र को अपडेट मिला है, पब्लिक यूज़र को रोल आउट तो होना स्टार्ट हो गया, लेकिन सभी यूज़र को नहीं मिला। तो आप लोग कैसे इसको अपडेट कर सकते हो? तो इसकी जो लिंक्स है गाइस, यहाँ पर इसकी लिंक्स मैंने दे दी ऑलरेडी अपने टेलीग्राम चैनल पर, इसको ज्वाइन कर लो भाई। फ्यूचर में सभी अपडेट्स की न्यूज़ और लिंक्स आपको यहाँ पर हमेशा मिलती रहेगी। तो यहाँ से आप लोग मैन्युअली जाके अभी अपडेट कर सकते हो, कोई भी इशू देखने के लिए नहीं मिलेगा। या फिर थोड़ा सा इंतजार करो, OTA के थ्रू अपडेट ये फिर से मिलना स्टार्ट हो जाएगा और आप लोग तुरंत अपडेट कर पाओगे जिनको अपडेट नहीं मिला है तो। और मैं आपको वीडियो के जरिए तो बता ही दूंगा। नहीं तो आप लोग वीडियो भी पसंद आई, वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कर लो यार। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, नीचे जो लाल बटन सब्सक्राइब लिखा उसको प्रेस करके बेल आइकन को प्रेस कर दो, फटाफट से कर दो यार। फ्री में होता है, 15,000 के सब्सक्राइबर के हम लोग बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है, वहाँ तक पहुँचा दो।